हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम स्कीम यानी पंच जगत व्यवस्था। वर्गी के इतिहास में जंतुओं के वर्गीकरण की कई योजनाएं कई स्कीम देखने को मिलती हैं, जिनमें से जो प्रमुख स्कीम्स प्रमुख योजनाएं हैं वर्गीकरण की वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू किंगडम स्कीम यानी विश्व के संपूर्ण जंतुओं को दो भागों में बांटा गया है। ये जो स्कीम है सबसे पहले अरिस्टोटल ने दी और इसके बाद में लीनियस ने भी संपूर्ण जंतुओं को विश्व के संपूर्ण जंतुओं को दो भागों में बांटा। तो विश्व के जो संपूर्ण जंतु है जीव है उनके दो किंगडम बनाए, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमिलिया। इस तरह से ये जो जंतुओं के वर्गीकरण की जो टू किंगडम स्कीम है ये एक तरह से एंशियंट है, प्राचीनतम स्कीम है। और उस समय जो जूलॉजिस्ट जिन्हें एमिनेंट जूलॉजिस्ट या फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है उसको उन्होंने इसे दिया। इसके बाद में एक अन्य टैक्सोनॉमिस्ट कैरोलस लिनिस उन्होंने भी संपूर्ण जीवों को प्लांट और एनिमल दो भागों में विभाजित किया। इसी तरह से एक अन्य स्कीम थ्री किंगडम स्कीम भी प्रचलन में रही और ये स्कीम हेकल द्वारा प्रस्तुत की गई। इस स्कीम के अनुसार विश्व के संपूर्ण जंतुओं को तीन बड़े समूहों में बांटा जा सकता है, पहला प्रोटिस्टा, दूसरा प्लांटी और तीसरा एनिमिलिया। इसी तरह से कोपरलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1956 में विश्व के संपूर्ण जीवों को चार समूहों में बांटा और इस तरह से उन्होंने फोर किंगडम स्कीम का प्रतिपादन किया। ये जो चार किंगडम उन्होंने बनाए वो इस तरह से, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी और चौथा एनिमेलिया। इसके बाद में फाइव किंगडम स्कीम अस्तित्व में आई और फाइव किंगडम स्कीम जो है आर एस विटेकर द्वारा 1969 में प्रस्तुत की गई। ये अन्य स्कीम की बजाय ज्यादा स्वीकार्य है और एक तरह से मान्य है। फाइव किंगडम स्कीम के अनुसार विश्व के संपूर्ण जंतुओं को पांच बड़े समूहों में बांटा गया या पांच जगत में बांटा गया। पहला जो जगत था, पहला जो समूह था वो मोनेरा, दूसरा समूह प्रोटिस्टा, तीसरा अंजाई और चौथा समूह जो है प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। इसके बाद में सिक्स किंगडम स्कीम अस्तित्व में आई जिसमें पहला जो समूह है वो आर्की बैक्टीरिया यानी पुरातन जो बैक्टीरिया है उनका एक समूह बनाया गया। उसके बाद में दूसरा यू बैक्टीरिया जो वोटर बैक्टीरिया है उनका समूह है, तीसरा समूह प्रोटिस्टा और चौथा फंजाई, पांचवा प्लांटी और छठा एनिमेलिया। इस तरह से विश्व के संपूर्ण जीव हैं उनको छह समूह में, छह जगत में बांटा गया। इसके बाद में सात जगत की स्कीम भी है, आठ की भी है, नौ की भी है, दस की भी है। आठ जगत की स्कीम है उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोमिस्टा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, आर्कियोजोन और एनिमेलिया। इस तरह से आठ समूह दिखाए गए हैं या बताए गए हैं। ये जो अलग अलग स्कीम्स दी गई हैं इन सब में जो सर्वमान्य स्कीम्स है विटेकर द्वारा प्रस्तुत फाइव किंगडम स्कीम ही है। तो उपरोक्त वर्गीकरण की योजनाओं में सर्वाधिक स्वीकार्य जो योजना है वर्गीकरण की वो विटेकर द्वारा प्रस्तुत पंच जगत व्यवस्था है। तो पंच जगत व्यवस्था जो है विटेकर ने दी थी और उसके अनुसार विश्व के समस्त जीवों को पांच बड़े समूह में विभाजित किया गया। ये जो पांच समूह थे विटेकर द्वारा प्रस्तुत पांच जगत, उसमें सबसे पहले मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये जो वर्गीकरण आर एस विटेकर ने दिया था फाइव स्कीम जो विटेकर ने प्रस्तुत की उसमें उन्होंने वर्गीकरण यानी जंतुओं के वर्गीकरण के कुछ बेस, कुछ आधार, कुछ लक्षण बताए थे। जो आधार थे वर्गीकरण के वो इस तरह से थे, पहला कोशिका असीम केंद्र की या ससीम केंद्र की, यानी जंतुओं को जो वर्गीकृत करते हैं अलग अलग समूह में बांटते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जो कोशिका है उस जंतु की वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स। दूसरा लक्षण कि जंतु यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, जंतु एक कोशिकीय है या
बहुकोश की ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा, उन जंतुओं का पोषण का स्तर क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण, इसका मतलब जंतु ऑटोट्रॉप्स हैं या नहीं, इसके अलावा अवशोषण अब्सॉर्ब करते हैं या नहीं करते हैं, या भोजन जो है अंतर्ग्रहण द्वारा करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, अब्सॉर्प्शन द्वारा किस विधि से भोजन ग्रहण करते हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो व्हिटेकर द्वारा जो पंचगत व्यवस्था प्रस्तुत की गई है, उन्होंने जो पांच जगत बताए हैं, उन जगतों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बताया मोनेरा, यानी पांच जगत में जो एक समूह है उसका नाम उन्होंने मोनेरा रखा, और मोनेरा के बारे में उन्होंने बताया कि इस समूह में ऐसे जंतु रखे गए हैं जिनकी कोशिकाओं में कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स, जिसे प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा इन जंतुओं के कोशिकाओं में केंद्र का जो आवरण है, केंद्र का आवरण बोलते हैं, वो अब्सेंट होता है, और केंद्र का आवरण अब्सेंट होने से केंद्र के अंदर पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में फैला होता है, वो एक बद नहीं होता, वो कोशिका द्रव्य में मिक्स होता है। इसके अलावा जो अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में मिक्स होने के कारण ही मोनेरा समूह जंतुओं को असीम केंद्र की यानी प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इसके अलावा इन जंतुओं में यानी मोनेरा समूह के जंतुओं में गुणसूत्र जो है उसका भी अभाव होता है, और इसके कारण यहां पर माइटोसिस भी अब्सेंट होता है। एक बात और यहां पर कहना चाहूंगा, इन जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है। इसके अलावा जो सेल वॉल है, इन जंतुओं की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बजाय एक अन्य पदार्थ जिसे म्यूरिन कहते हैं, म्यूरिन की बनी होती है, और ये जो म्यूरिन है वो पॉलीसेक्राइड्स और पेप्टाइड से बनती है। इसके अलावा इसमें फ्लेजेला पाए जाते हैं, यानी मोनेरा समूह जंतुओं में गमनांग जो है फ्लेजेला पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जो माइक्रोट्यूबुल्स का जो अरेंजमेंट है 9+2 यानी बाहर की ओर 9 ट्यूबुल्स और अंदर की ओर सेंटर में जो 2 ट्यूबुल्स हैं वो व्यवस्था यहां पर नहीं पाई जाती, वो अब्सेंट होती है। जैसे हम बात करें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मोनेरा समूह के उदाहरण है। हम व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत जो फाइव किंगडम स्कीम है उसके दूसरे समूह की बात करते हैं, ये समूह है प्रोटिस्टा। पहला समूह था मोनेरा, अब हम दूसरे समूह की बात करते हैं, इसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा समूह के जो जंतु हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं यानी एक कोशिकीय होते हैं। इसके अलावा ये ससीम केंद्र की जीव होते हैं। ससीम केंद्र का मतलब यह है कि जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और जो अनिवासी पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली से आबद्ध होता है, घिरा हुआ होता है। इसके अलावा इन जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, गोल्जी वगैरह, ये सारे कोशिकांग में पाए जाते हैं, और केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक में जो अनुवांशिक पदार्थ है वो भी आबद्ध होता है झिल्ली द्वारा। इसके अलावा ये जो इनमें जो फ्लेजेला है, अगर पाया जाता है फ्लेजेला तो 9+2 की व्यवस्था में पाया जाता है। जैसे मैंने मोनेरा की बात की, उसमें अगर फ्लेजेला होता है तो 9+2 की व्यवस्था नहीं होती। 9+2 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो परिधीय 9 और सेंटर में 2, इस तरह से 9+2 की व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस समूह के जो जंतु हैं इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण से ऐसे जंतुओं को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, संपोषी कहते हैं। इस समूह में प्रोटोजोन्स को शामिल किया गया है, और प्रोटोजोन्स के अलावा कुछ यूनिसेलुलर एल्गी है वो भी सम्मिलित की गई है। फाइव किंगडम स्कीम का जो तीसरा बड़ा समूह है, जो जगत है, वो है फंजाई। फंजाई की हम बात करें तो ये एक तरह से प्लांट जैसे ही होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, इस कारण से ये प्लांट से अलग होते हैं। इसके अलावा कुछ और भिन्नताएं, इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में भी होती है सेल वॉल, और क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिस ये यहां पर नहीं होते। क्लोरोप्लास्ट नहीं होने से ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते, और हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं यानी विषम पुष्प की प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो जीव है अपना भोजन जो है
अवशोषण द्वारा प्राप्त करते हैं। ये जो भी भोज्य पदार्थ है वहां पर एंजाइम सीक्रेट करते हैं और एक नलिका नुमा जालक बना लेते हैं जिसे माइसीडियम कहते हैं, उसके द्वारा जो पचित भोजन है द्रव्य रूप में जो भोजन है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे समूह की, पंच जगत व्यवस्था के अनुसार जो पांचवा जो जगत है वो है प्लांटी। प्लांटी का मतलब प्लांट्स, यानी इस समूह में जो एल्गी को छोड़कर, एल्गी भी कुछ एल्गी को छोड़कर सारे जो प्लांट हैं शामिल किए गए हैं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर लाल भूरी और हरी जो एल्गी है वो सम्मिलित है, इसके अलावा सारे जो बोकोस के प्लांट है वो इसमें शामिल किए गए हैं। ये सारे जो है मल्टी सेलुलर और यूकेरियोट्स होते हैं और इनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता। ये प्लांट्स की खास बात है। प्लांट्स और एनिमल्स में जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये देखते हैं कि प्लांट्स जो है उनमें लोकोमोशन एब्सेंट और एनिमल्स में लोकोमोशन पाया जाता है। लोकोमोशन की मेथड्स जो है विधियां है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित द्रव्य पाया जाता है, इस कारण से ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब अगला जो समूह है एनिमेलिया, उसकी बात करते हैं। एनिमेलिया में सभी बहुकोष के जो एनिमल्स हैं वो शामिल किए गए हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स भी एनिमल्स की कैटेगरी में है, लेकिन प्रोटोजोन्स को हमने पहले ही प्रोटिस्टा समूह में रख दिया। तो प्रोटोजोन्स के अलावा जितने भी जंतु हैं मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे एनिमेलिया समूह में रखे गए हैं। और ये जंतु जो है वो हेटरोट्रॉफ नेचर की होते हैं। कोशिकाएं जो है सस्यन केंद्र के प्रकार की होती हैं, यानी कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं और केंद्र सपष्ट होता है, केंद्र जो है केंद्र झिल्ली से आबद्ध होता है और उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। समसूत्री असूत्री विभाजन भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा उसमें मैंने बताया लैंगिक प्रजनन होता है। ये एनिमेलिया जो है इनको हम आगे फर्दर जो है तीन और छोटे समूह में बांट सकते हैं, या इतने छोटे तो नहीं है लेकिन जो किंगडम है उससे थोड़े छोटे सब किंगडम में बांट सकते हैं तीन सब किंगडम से, जैसे मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। इस तरह से जो एनिमल क्लासिफिकेशन की जो विभिन्न विधियां हैं मेथड है उसमें विटेकर द्वारा, आर एस विटेकर द्वारा, रॉबर्ट एच विटेकर द्वारा प्रस्तुत फाइव किंगडम स्कीम जो है वो वर्तमान में प्रचलन है, वो सर्वमान्य है।